रेसिडेंशियल अपार्टमेंट तथा कमर्शियल अपार्टमेंट के सोसाइटियों का गठन नहीं किए जाने से नाराज आम आदमी पार्टी सहकारिता विभाग के सामने दिया धरना। आम आदमी पार्टी दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस के अग्रवाल के नेतृत्व में दुर्ग के बुनकर संघ कार्यालय स्थित सहकारिता विभाग के सामने विभाग की कार्यप्रणाली का विरोध जताया गया। इस अवसर पर आप नेताओं ने पंडाल लगाकर आक्रोश जताया। इस दौरान आप पार्टी ने अनोखा विरोध जताते हुए संयुक्त पंजीयक और उप पंजीयक को पुष्पगुच्छ भेंट कर गेट वेल सून भी कहा। बता दें कि डॉक्टर एस के अग्रवाल ने बताया कि आम आदमी पार्टी के द्वारा मुख्य सचिव अध्यक्ष रेरा सहकारिता विभाग पंजीयन को जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन भेजकर शिकायत की गई थी। दुर्ग सहकारिता विभाग संयुक्त पंजीयक एवं उप पंजीयक द्वारा रेसिडेंशियल अपार्टमेंट तथा कमर्शियल अपार्टमेंट के सोसाइटियों का गठन नहीं किया जा रहा है। साथ ही आरोप लगाया कि दुर्ग सहकारिता विभाग द्वारा बिल्डरों को लाभ पहुंचाने स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के विरुद्ध शिकायत की गई है, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी परिप्रेक्ष्य में दुर्ग बुनकर संघ के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान डॉक्टर एस के अग्रवाल, संजय सिंह, मेहरबान सिंह, के ज्योति सहित अन्य सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस संबंध में आप नेता ने प्रतिक्रिया दी। रेता विभाग जो बुनकर संघ में है, वहाँ पर उपपंजीय कार्यालय, दूसरा संयुक्त पंजीय कार्यालय, दो कार्यालय हैं। दोनों विभागों के भ्रष्टाचार से विरोध में, उनके विरोध में, उनके द्वारा बिल्डरों को दिए गए संरक्षण के विरोध में आज आम आदमी पार्टी धरने पर बैठी थी। जितने भी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है या कमर्शियल अपार्टमेंट है, उनमें सोसाइटी का गठन होना चाहिए, लेकिन इनके द्वारा बिल्डरों को लाभ पहुंचाने की नीयत से उनके रहवासियों को, दुकान मालिकों को, मकान मालिकों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। कानून को तोड़ मरोड़ कर उनको गलत प्रस्तुत कर बताया जाता है कि आपकी सोसाइटी नहीं बन पाएगी। जैसे कमर्शियल बायलॉज का कहीं प्रावधान नहीं है, बिल्डर से एनओसी का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, ऐसे अलग अलग शर्तें रख करके उनको सोसाइटी बनाने से वंचित कर दिया जाता है। और जैसे स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था है, उसके खिलाफ विभिन्न शिकायतें हो चुकी हैं। उनकी अध्यक्ष की सदस्यता की शिकायत हो चुकी है, उनकी अध्यक्ष तथा संस्था से वसूली के लिए एक आवेदन लंबित, सालों से लंबित पड़ा है। EWS की जमीन का मामला लंबित पड़ा है, सड़क भूमि के, खुली जमीन के बेचने का मामला लंबित पड़ा है। सबको इनके दोनों विभागों के द्वारा दबा कर रख दिया गया है। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी आज धरने पे बैठी थी। इसके साथ एक विशेष बात है कि हमने इसको स्टडी किया कि संयुक्त पंजीयक तथा उप पंजीयक दोनों कार्यालयों में दोनों मुख्य अधिकारी अपने ऑफिस टाइम पर आते ही नहीं हैं। कार्यालय 12 बजे के पहले शुरू होता ही नहीं। ये हम लोग प्रमाणित तौर पे प्रमाण कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि विभाग टाइम पे का पाबंद नहीं है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।